डूब कर भी लौट आया अडानी, मगर इस बैंक को अब कौन बचाएगा? दो दिन में बर्बाद हो गया बैंक। अडानी का जोरदार कमबैक, अडानी ने दे दिया गुड न्यूज, लेकिन ये क्या अमेरिका में ये क्या हो गया? अडानी को बर्बाद करने वाले हिंडनबर्ग ने अपने देश के बैंक को क्यों छोड़ा? क्या हुई थी जबरदस्त मिलीभगत? बैंक डूबा अमेरिका का, लेकिन नुकसान पेटीएम, शादी डॉट कॉम और कार देखो को कैसे हो गया? अडानी के लिए अब माहौल बदल रहा है, ऑफिस और घर दोनों जगह खुशनुमा माहौल आ गया है। घर की चर्चा इसलिए क्योंकि भारी तनाव के बीच अब गौतम अडानी के बेटे जीत की शादी होने जा रही है। जीत की सगाई हो गई है, अब शादी की तैयारी चल रही है। इधर ऑफिस में अडानी ने समय से पहले रीपेमेंट करके वापसी करना शुरू कर दिया है। गौतम अडानी के ऊपर से हिंडनबर्ग का साया अब छटने जा रहा है। शॉर्ट सेलर फॉर्म की रिपोर्ट जारी होने के बाद शेयरों में आई सुनामी के कारण अडानी ग्रुप लिस्ट में 34वें पायदान पर पहुंच गया था। अब अडानी के लिए गुड न्यूज आया है। अडानी ग्रुप ने कुछ ही दिनों में 12 पायदान की लंबी छलांग लगाई है, मगर आर्थिक दुनिया में एक और संकट ने सबको घेर लिया है। अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया है, जिस बैंक ने भारत के 21 कंपनियों पर पैसा लगाया हुआ था। इसमें पेटीएम, शादी डॉट कॉम और कार देखो भी शामिल है। ये बैंक दुनिया भर के स्टार्टअप पर पैसे लगाती थी। बैंक के डूबने से हजारों स्टार्टअप पर ताला लगने और लाखों लोगों के बेरोजगार होने का खतरा पैदा हो गया है। अब सवाल ये है, अमेरिका के हिंडनबर्ग ने भारत के अडानी को देखा, फिर उसके खुद के देश का एक बैंक कैसे उसकी नजर से छूट गया? सब के पीछे एक और वजह है। आप जब कभी दुनिया के टॉप अमीरों की सूची देखेंगे तो पाएंगे 10 में से 8 अमेरिकी व्यापारी हैं, और पूरी दुनिया के देशों से महज 2-3 नाम दिखेंगे। तो क्या अमेरिका नहीं चाहता है किसी दूसरे देश के कोई व्यक्ति अमीरों की सूची में ऊपर चढ़े? इस बारे में चर्चा फिर कभी करेंगे, फिलहाल SVB बैंक की बात करते हैं। समझिए बैंक कैसे। सिलिकॉन वैली बैंक के पास 2021 में $189 अरब डिपॉजिट थे। बैंक ने पिछले 2 सालों में अपने ग्राहक के पैसे से कई अरब डॉलर के बॉन्ड खरीदे थे, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट पर उन्हें कम इंटरेस्ट रेट के चलते उचित रिटर्न नहीं मिला। इसी बीच फेडरल रिजर्व बैंक ने टैंक कंपनियों के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी। SVB के ज्यादातर ग्राहक स्टार्टअप और टैंक कंपनियां थी, जिन्हें कारोबार के लिए पैसे की जरूरत थी। ऐसे में वो बैंक से पैसे निकालने लगी। ब्याज दर बढ़ने की वजह से टैंक कंपनियों में निवेशक कम हो गए। फंडिंग नहीं मिलने से कंपनियां बैंक से अपना बचा हुआ पैसा भी निकालने लगी। लगातार विड्रॉल की वजह से बैंक को अपनी संपत्ति घाटे में बेचनी पड़ी। इस समय दुनिया के सभी देश अर्थव्यवस्था के लिए एक दूसरे देश पर निर्भर करते हैं। ऐसे में अमेरिका के बैंक के फेल होने से असर अन्य देशों में भी स्वाभाविक तौर पर देखने को मिल सकता है। जब बैंक स्टार्टअप को बड़े पैमाने पर लोन देता था, बदले में इक्विटी लेता था। आसान इक्विटी की वजह से दुनिया भर के स्टार्टअप्स ने SVB बैंक से फंड उठाया है। बैंक के डूबने से कंपनियों को नुकसान हो सकता है। भारत के भी 21 स्टार्टअप को इस बैंक ने फंड किया था। हालांकि इन कंपनियों पर क्या असर पड़ा है, यह अभी साफ नहीं हो सका है।